गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे फ्रेंड हो तो आपको पता होगा मैं हिंदी में वीडियोस नहीं करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज क्यों हिंदी में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे एडवाइस किया कि आप सजेस्ट किया कि आप रिक्वेस्ट सजेस्ट वॉट एवर यू थिंक। गाइस मैंने बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट पाए हैं जहाँ पे मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हिंदी में वीडियोस कीजिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं और एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ। क्योंकि पहले बार मैंने जब ट्राई किया था वो एक डिज़ास्टर था, मतलब शुरू मैंने हिंदी में किया था एंड मैंने इंग्लिश में किया था, लेकिन इस वक्त ये नहीं होने वाला है, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। एंड आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ गुड वाइब्स का न्यूली लॉन्च एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क, सो इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग, सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। ये है प्रोडक्ट, ऐसा ये दिखता है। आप देखो एक ट्यूब में आता है और ये 100 ग्राम्स का प्रोडक्ट क्वांटिटी है। जो मैंने प्राइस इसके लिए पे किया था वो था ₹224, लेकिन purple.com में प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क है। मैं इसका जो इंग्रेडिएंट्स है मैं उसका एक स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी, आप देख सकते हो। कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स मुझे नहीं लगा कि है, लेकिन आप फिर भी उसे देख सकते हो। एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली ये डार्क स्किन के लिए है। और इसे आपको 15 से 20 मिनट तक आपके फेस पे रखना है और फिर उसे यू हैव टू टेक इट ऑफ। एंड आईज को अवॉइड करना है, वो तो आपको पता ही होगा। एंड चलते हैं अप्लाई करके देखते हैं कैसा काम करता है।
प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सभी प्रोडक्ट्स की तरह इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है, तो पहले हम प्रॉस की बात करते हैं, मतलब पहले कुछ अच्छी बातें इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पैकेजिंग वाइज ये बहुत ही डिसेंट है, मुझे लगा बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, कोई लीकेज नहीं था जब यह आया। एंड जब आप इसको अप्लाई करते हो बहुत ही रिफ्रेशिंग सा एक कूलिंग सेंसेशन आप महसूस कर पाते हो, और ये फीलिंग बहुत देर तक आप महसूस कर पाते हो। ये मुझे बहुत यूनिक लगी इस एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क गुड वाइब्स के तरफ से, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे पील ऑफ मास्क यूज़ किए हुए हैं, नॉट ओनली चारकोल, बहुत सारे फ्लेवर्स में यूज़ किए हुए हैं, लेकिन ये रिफ्रेशिंग कूलिंग सेंसेशन मुझे कहीं पे नहीं मिला। सो ये बहुत ही यूनिक रहेगा अगर आप समर्स में यूज़ करना चाहोगे, तो अगर आप दूसरे सीजन्स में यूज़ करना चाहते हो यू आर मोर देन वेलकम। और ये चेहरे को बहुत ही अच्छी तरह से साफ करता है, जो भी आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं वो सभी चले जाएंगे, ये मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने फील किया है इसे। यू नो, आप मेरे फेस को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, आपको जब मैंने स्टार्ट किया था तब, अब ज़रा रिवाइंड करके देखो और अब मेरे फेस को आप देखो, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, यू नो। सो देख सकते हो कि बहुत ही मतलब क्लीन एंड फ्रेश लुक अब जो मेरे फेस पे आप देख रहे हो वही है, एंड बहुत ही रिफ्रेशिंग है। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, मतलब इसको यूज़ करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि झट से अभी मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ। ये मैं यू बोल रही हूँ क्योंकि यू नो मेरा जो फेस है दैट इज़ रियली वेरी वेरी ड्राई, ओके। सो वेरी वेरी ड्राई, मतलब अगर आप मेरे फॉलोअर्स में से कोई हो जो आप मेरे वीडियोज़ देखते हो, आप मेरे फ्रेंड हो, तो आपको पता होगा कि मेरी स्किन टाइप क्या है। मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखी है उस ड्राई स्किन पर ही थी, और जो भी मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करती हूँ मोस्टली ड्राई स्किन पर ही होता है। ये जो प्रोडक्ट है फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली कुछ लिखा हुआ है कि ये डल स्किन के लिए परफेक्ट है, तो मैं भी यही सोचती हूँ अगर आपकी स्किन डल है तो यू नो ब्राइटन करना चाहते हो, मेरी हिंदी के लिए माफ़ कीजिए, पहली हिंदी वीडियो है, भूल चूक होती रहती है, ओके। लेकिन जो मैं बोलना चाहती हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आपकी स्किन डल है, आपको टायर्डनेस फील होता है काम करके आने के बाद, आप कुछ रियली गुड इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे इसकी कॉन्स के बारे में, ओके। जो मुझे लगा ये थोड़ी लिक्विडी ज़्यादा है, मतलब होता क्या है जब आप इसे अप्लाई करते हो उसके बाद तो आप बैठे नहीं रहोगे, आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो आप काम करोगे तो ये टपक टपक के गिरेगा, इसके लिए आपको एक हैंकी की ज़रूरत होगी जब इसे अप्लाई करेंगे। कुछ बात नहीं है, थोड़ी सी बात है, लेकिन आप इसे वाइप करते रहना होगा आपको, ये एक बात है। और इस पर लिखा हुआ है कि 15 to 20 मिनट्स में ये ड्राई हो जाता है, लेकिन मेरे मैंने ये महसूस नहीं किया, इसे लगभग 40 मिनट्स लगे ठीक तरह से ड्राई होने में, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट जो अप्लाई किया हुआ था वो बहुत सारा नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, क्योंकि आप थिन लेयर अगर अप्लाई करते हो तो कुछ पील ऑफ मास्क काम का नहीं रहेगा, कोई भी हो सकता है, आप जो भी पील ऑफ मास्क यूज़ करते हो वो कोई काम नहीं करेगा, थिक लेयर अप्लाई करना ज़रूरी है। सो ये मैंने देखा है 40 मिनट्स लगा पक्का इसे ड्राई होने में, एंड तभी मैं इसे रिमूव कर पाई गाइज, एंड इतनी अच्छी तरीके से मैंने कभी पील ऑफ मास्क को रिमूव नहीं कर पाई, तो ये मुझे बहुत बहुत मतलब अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करती हूँ कि नहीं, यस 100% रिकमेंड करती हूँ। ये मेरा मुझे लगा, मेरे गुड वाइब्स के बहुत सारे हॉल वीडियोज़ हैं, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, या आई बटन्स में भी लिंक दे सकती हूँ मैं, आप देखना ज़रूरी हो हॉल वीडियो, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए थे जिस गुड वाइब्स के, बहुत सारे मैंने हॉल्स किए लेकिन प्रोडक्ट रिव्यू अभी तक नहीं किया और लेजी हूँ थोड़ी, तो मुझे ये वाली प्रोडक्ट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अमॉन्ग ऑल गुड वाइब्स प्रोडक्ट, न्यूली लॉन्च है, ट्राई करना ज़रूर दोस्तों, दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मैंने हिंदी में वीडियो बनाना से शुरू ही किया है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, बेल बटन जो है इसे प्रेस करना मत भूलना, एंड जो है लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत की है बहुत इस वीडियो को बनाने में, ओके। एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो कम्स, टाटा, टेक केयर।
बाय बाय।